I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. This is module number thirty, and we are going to talk about mindlessnessness, automaticity, and the human condition. No doubt, mindlessnessness is basically opposite to mindfulness, and in this category, we need to encompass certain challenges which are essential for the leader to overcome.

जिन प्रस्पेक्टिव से हमारा डिसीजन मेकिंग मुतासर वो हो सकता है सो माइंडलेसनेस एंड ऑटोमेटेसिटी इज बेसिकली डीलिंग विद द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड और जब अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड ज्यादा एक्टिवेटेड होगा तो ऑब्वियसली जो एक्शन है रिलेटेड टू द कॉन्शियस माइंड दैट वुड बी लिमिटेड द सेकेंड इज दैट देर वुड बी सर्टेन ऑटोमेटिक प्रोसेस दोसेसेज

when we talk about mindlessness and automaticity remember that there are certain aspects in one's life jisme ke uski unconscious mind ki working is baat ko support karegi ke that mind that person is going to maintain his or her stability और अपने उन ऑटोमेटिक प्रोसेस अपने उन हैबिचुअल रिएक्शन की वजह से वो जिद्दत नहीं ला सकेगा मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी इनोवेशन इन चीजों को ब्रूएकार वो नहीं ला सकेगाटोमेटिक प्रोसेस आर ईजियर टू सेट बिकॉज आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन्हें कैलकुलेट कर लेता है ऑटोमेटिकली आपके रेस्पॉन्सेज जनरेट हो जाते हैं और आपके रिएक्शन आपका एटीट्यूड आपका बिहेवियर वो ऑटोमेटिकली उनसे इफेक्ट और इन्फ्लुएंस वो हो रहा होगा एंड ऑब्वियसली उसमें आपकी विल उसमें आपके थिंकिंग प्रोसेस उसमें आपके क्रिएटिविटी और इनोवेशन उतनी ही कम वो काउंट की जाएगी द थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माइंडलेसनेस एंड ऑटोमेटेसिटी इज दैट ऑटोमेटिक बिहेवियरल रूटीन कंजर्व लिमिटेड रिसोर्सेज और यह हमें कहां पर दरकार होगा कि जहां पर रूटीननेस ऑफ टास्क टेक्नोलॉजी हो जहां पर तब्दीली रूनमा नहीं हो रही जहां पर एक पैटर्न पर काम वो होता चला जा रहा है वहां पर तो ऑटोमेटिक वर्क प्रोसेस ऑटोमेटिक थिंकिंग पैटर्न करामद होंगे लेकिन जहां पर हमें हर वक्त बदलती हुई चीजें नजर आए हर वक्त इन्वायरमेंट के अंदर वेरिएबल्स वो तब्दील हो रहे हो कंडीशन एंड कंस्ट्रेंट तब्दील हो रहे हो इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिचुनसीज तब्दील हो रही हो तो वहां पर हमें ऑटोमेटिक प्रोसेसेस नहीं चाहिए बिकॉज ऑटोमेटिक प्रोसेस हमारी सोच को महदूद वो कर देंगे एनअर थिंग विच आर टेकन अप एज लीडरशिप चैलेंजेस ऑफ माइंडलेसनेस दे आर नंबर वन दैट परसेप्चुअल स्किल लेस फोकस्ड और आप सिर्फ अपने रिसेप्शन के ऊपर काम वो ज्यादा करते हो योर फाइव गेट्स ऑफ नॉलेज सेंस ऑफ टच स्मेल टेस्ट साइट वुड बी मोर एक्टिवेटेड जबकि आपकी जो परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग अबाउट द है दैट 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 कैटेगराइजेशन, अनकॉन्शियस डिस्टॉर्ट जजमेंट. हमारे जो फैसले हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज दैट अनविलिंग टू चैलेंज ओन प्रिजम्पन हम अपने फैसलों को हम अपने इरादों को वो चैलेंज नहीं कर पाते रीजन बींग दैट वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाई द हैबिट्स और हमारी हैबिट्स हमारे अंदर किसी भी तब्दीली को रूनुमा होने से रुकावट का सबब वो बनती हैं और हम अपने कॉन्शियस माइंड प्रोसेस पर कंप्रोमाइज कर लेते हैं अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि माइंडलेसनेस इज समथिंग विच इज नॉट टू बी टेकन अप बाई द लीडर्स द लीडर नीड्स टू रिमेन इन कॉन्शियस माइंड द लीडर्स Need to come up with the idea which is coming up with creative and innovative problem solving and problem solutions. Thank you.